आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी की बढ़ोतरी को यानी उसके प्रोग्रेशन को हम किसी तरह रोक सकते हैं? यस जरूर, डायबिटिक रेटिनोपैथी की बढ़ोतरी को जरूर रोका जा सकता है। अब इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी ये है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती दौर में कोई भी सिम्टम्स या साइंस नहीं होते। इसका मतलब बहुत शुरुआती दौर में तो ना मरीज को और ना ही डॉक्टर को कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं जिससे हम ये कह सकें कि आपकी आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है या आपकी आंख का पर्दा शुगर की वजह से खराब हो रहा है। फिर कुछ आगे स्टेज बढ़ने पे तो डॉक्टर को ये चिन्ह पता चल जाते हैं कि हाँ, प्री प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी आंख में शुरू हो गई है। लेकिन आमतौर पे इस स्टेज में भी मरीज को या तो कोई सिम्टम नहीं होते या कभी कभी आंखों में फ्लोटर्स इत्यादि दिखते हैं। अब ये सिम्टम कोई ज्यादा गंभीर नहीं होते, तो इसीलिए लगभग सभी पेशेंट्स इस स्टेज में इस समस्या को गंभीरता से नहीं लेते। अब यदि बढ़ी हुई शुगर की वजह से आंख में तेज दर्द होने की बात होती तो सभी मरीज अपनी आंखों का इलाज समय पे करा लेते, पर क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आंखों में कोई ज्यादा सिम्टम नहीं होते शुरुआती दौर में, ना ही दर्द होती है, तो वो इसे इग्नोर करते हैं। और बहुत सारे मरीज तो डॉक्टरों के बार बार कहने पे भी अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं रखते क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे तो कोई परेशानी है नहीं, शायद डॉक्टर साहब मुझे मेरी तकलीफ बढ़ा चढ़ा के बता के डरा रहे हैं या वो कुछ खास टेस्ट लिख देंगे या कोई इलाज करना चाहेंगे। जबकि आपके हित में है कि यदि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी का डायग्नोज किया गया है और उसके बारे में कुछ एहतियात या ट्रीटमेंट बताया गया है तो आप उसे जरूर करें। और यदि आपको डॉक्टर के डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पैटर्न पे शक है तो एक सेकेंड ओपिनियन जरूर ले लीजिए। लेकिन अंधेरे में ना रहें, ये ना सोचें कि मुझे कोई सिम्टम नहीं है तो मुझे कोई बीमारी भी नहीं है, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी का शुरुआती दौर में इलाज आसान होता है, लेकिन यदि ये बढ़ जाए तो फिर ये हाथ से निकल जाती है और रोशनी का नुकसान कर देती है।